नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हिमाचल में सियासत बहुत ज्यादा गर्माई हुई है। कांग्रेस का अंदरूनी सियासी माहौल बहुत ज्यादा गर्माया हुआ है, सियासी पारा चढ़ा हुआ है और अब कांग्रेस को ये फैसला करना बहुत मुश्किल होगा या आसान होगा कि मुख्यमंत्री कौन हो। लेकिन दावेदारों की तरफ से अपने इशारे हैं तो नारेबाजी भी है और थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। प्रतिभा सिंह कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुकी हैं, प्रतिभा सिंह के साथ कई विधायक भी पहुंचे। शिमला में रात 8 बजे बैठक होगी। पूर्व सीएम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद हैं, विधायकों के साथ बैठक करेंगे। सीएम के नाम पर फैसला लिया जाना है, लेकिन उससे पहले हिमाचल की सियासत, हिमाचल की ठंडी वादियों में कांग्रेस का सियासी माहौल बहुत गर्माया हुआ है और कांग्रेस को तय करना है कि जनता ने जो बहुमत दिया है उस पर खरा उतरने के लिए किसी ऐसे प्रत्याशी का चुनाव किया जाए, किसी ऐसे मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाए जो सबको साथ लेकर चले, पार्टी को मजबूत बनाए और हिमाचल से किए गए वादे, जनता से किए गए वादों को पूरा करे। प्रतिभा सिंह के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी हो रही है। होटल ओबेरॉय के बाहर नारेबाजी हो रही है। मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम की रेस में हैं। प्रतिभा सिंह पहले ही कह चुकी हैं कि वीरभद्र की विरासत का ख्याल रखा जाना चाहिए। पार्टी राजा वीरभद्र के योगदान को, उनकी विरासत को इग्नोर नहीं कर सकती, नेगलेक्ट नहीं कर सकती। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान। और हमारे साथ शिमला से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं प्रदीप ठाकुर, हमारे ब्यूरो शिमला, और मेरे सहयोगी आलोक भंडोरिया। हम चर्चा करेंगे कि हिमाचल के इस मंथन से, कांग्रेस का जो मंथन है उससे जो अमृत निकलेगा वो किसके हिस्से में आएगा। सीएम पद को लेकर जो माहौल गर्माया हुआ है, इससे कांग्रेस का संदेश क्या जाएगा। एक और बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं, देश के लोगों को बता दूं कि हिमाचल में कांग्रेस की इस जीत से सिर्फ हिमाचल के कांग्रेस के नेताओं और समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का हौसला नहीं बढ़ा, बल्कि इस जीत से उत्साह पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बढ़ा है। और अगर ज्यादा देर हो गई मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो पाने में तो फिर इससे एक और गलत मैसेज कांग्रेस को लेकर जाएगा, ये चर्चा का विषय है। ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए आलोक भंडोरिया, छोटी सी प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे कांग्रेस का जो सियासी माहौल गर्माया हुआ है मुख्यमंत्री पद को लेकर। अब बिल्कुल नासिर, इस समय जो कांग्रेस का जो माहौल जो है बिल्कुल गरमाया हुआ है, ये सियासत जो है दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है और पार्टी हाई कमान निश्चित रूप से इस बात का इंतजार कर रहा है कि जो हमने पर्यवेक्षक वहां पर भेजे हैं, जो प्रभारी भेजे हैं, सह प्रभारी जो भेजे हैं, वो सभी विधायकों की राय ले और राय लेकर के वो दिल्ली हाई कमान को अपना मैसेज भेजे और उसके बाद हाई कमान एक अपना जवाब, एक अपना नाम तय करके भेजेगा जिसे सभी विधायकों को मानना पड़ेगा। हालांकि अभी सभी विधायकों से राय ली जा रही, सलाह मशवरा हो चुका है, मीटिंग हो चुकी है, मीटिंगों का दौर फिर भी जारी है। इस समय प्रभारी जो है वो राजीव भवन जो है कांग्रेस कार्यालय उसमें वहां पर मौजूद है, सभी से राय ली जा रही है, लेकिन अंतिम निर्णय दिल्ली का होगा। हालांकि अलग अलग दलों की तरफ से दावा किया जा रहा है, लेकिन जहां पर राजा वीरभद्र की सियासत का सवाल है वहां पर उनके परिवार की ओर से, उनकी पत्नी की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि वीरभद्र सिंह की सियासत का ख्याल किया जाना चाहिए। पार्टी हाईकमान खुद इस बात को लगातार कह रही, तो अभी हाईकमान के जवाब का इंतजार है। हाईकमान किसी अपना आशीर्वाद देता है, लेकिन हाईकमान कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अपनी पार्टी को जो लगातार देरी हो रही है, एक मैसेज जा रहा है जो कांग्रेस की एक लंबी परंपरा रही है, एक मैसेज जा रहा है, उस मैसेज को एक अच्छा सा मैसेज देने के लिए हाईकमान की ओर से जल्द ही ऐसा निर्णय लिया जा सकता है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। आलोक, और इस वक्त एक और अहम खबर से दर्शकों को रूबरू कराते हैं कि जो होटल है ओबेरॉय वहां पर नारेबाजी, कांग्रेस का मुख्यालय वहां पर नारेबाजी, प्रतिभा सिंह के समर्थकों की जोरदार नारेबाजी सुनाई, आपको सुनाते हैं नारेबाजी की आवाज। मुख्यमंत्री को लेकर नारेबाजी, प्रतिभा सिंह के समर्थन में नारेबाजी, क्या होगा इसका संदेश, कौन बनेगा कांग्रेस का किंग। सीएम पद पर कांग्रेस में महासंग्राम, हिमाचल में हिमाचल का किंग कौन, इस महासंग्राम पर कब लगेगा विराम। विरासत पर गरमाई है सियासत, मंथन के बाद किसके सिर सजेगा ताज
और लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हंगामे की। एक तरफ नारेबाजी, सुखविंदर सुक्कू नजर आ रहे हैं। सबके अपने अपने दावे, सबके समर्थकों के अंदर उत्साह, सबके समर्थक चाह रहे हैं कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस के नेता पहले कह रहे थे कि हमारा मकसद है कांग्रेस की सरकार बनाना। आवाज सुनिए जरा आप। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं मीटिंग के लिए, एक एक करके विधायक पहुंच रहे हैं और उनके कोई सीएम का कैंडिडेट नहीं हूं। मैं एक डिसिप्लिन सोल्जर हूं और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। मैं अभी सिर्फ विधायक हूं। सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि मैं सिर्फ विधायक हूं अभी। कांग्रेस पार्टी जीती है, कार्यकर्ताओं में जोश है और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम कोई मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, हम कार्यकर्ता है। पार्टी हाईकमांड जो फैसला। सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान, हम मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है, पार्टी हाईकमान का फैसला होगा, कार्यकर्ताओं का जोश। सबसे पहले खबरें अभी तक पर, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं शिमला से, देश का खूबसूरत शहर शिमला, ठंडा माहौल शिमला का और वहां पर सियासत की गर्मी। जो जो नेता पहुंचे उनके समर्थन में नारे लग रहे हैं, प्रतिभा सिंह के समर्थन में नारे, सुखविंदर सुक्खू के समर्थन में नारे, मुकेश अग्निहोत्री के समर्थन में नारे और एक एक करके विधायक पहुंच रहे हैं। प्रदीप ठाकुर मेरे साथ जुड़े हुए हैं शिमला से लाइव। प्रदीप, क्या माहौल है? माहौल गर्मा रहा है। बिल्कुल नासिर, देखिए हलचल बढ़ चुकी है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर और यहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं, जो अपने नेता को जो समर्थक हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। हम कह सकते हैं कि जो प्रदेश कार्यालय है उसका जो वो पूरी तरह से भर चुका है एक तरह से, और उसके साथ साथ विधायक दल की बैठक के लिए अब बारी बारी करके विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और इस बीच आपको अपडेट देना चाहूँगा कि जो तीन ऑब्जर्वर हैं, भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, वो भी प्रदेश पार्टी कार्यालय में अभी कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं और यहां पर नारेबाजी के साथ उनका स्वागत हुआ। सुक्खू कैंप के जो समर्थक हैं उन्होंने सुखविंदर सुक्खू के नारे लगाए तो प्रतिभा सिंह के नारे भी यहां पर लगे। बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ हैं और इसके साथ साथ आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खचाखच भर चुका है ये जो प्रदेश कार्यालय है। और इनके साथ साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब इंतजार किया जा रहा है मुकेश अग्निहोत्री का, विक्रमादित्य सिंह का। प्रतिभा सिंह पहले ही पहुंची है, उनके साथ कुछ विधायक भी यहाँ पर पहुंचे और बाकी भी कुल्लू से सुंदर ठाकुर, वो जो कुल्लू सदर से चुनकर आए हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। उनके साथ साथ बाकी भी जो संजय अवस्थी हैं अर्की के, वो यहाँ पर पहुंचे। तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अब इंतजार किया जा रहा है कि बाकी जो बड़े नेता हैं वो कब तक पहुंचते हैं। मुकेश अग्निहोत्री आ चुके हैं, आपको जानकारी देना चाहेंगे। जो मुकेश अग्निहोत्री हैं वो जो है अब कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं और वो सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम उनको आपको दिखाना चाहेंगे। बाकी भी जो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला और विक्रमादित्य सिंह वो भी अभी आपको जानकारी देना चाहेंगे कि भवानी सिंह पठानिया है, भवानी सिंह पठानिया यहाँ पर बाद में, बाद में, बाद में, बाद में, पहले खबर अभी तक पर मुकेश अग्निहोत्री बस अब जा रहे हैं विधायक दल की मीटिंग में।
करके नेता पहुंच रहे हैं, नारों की आवाजें सुनिए, अपने अपने नेता के पक्ष में नारे। जो काम है वो लगातार चला हुआ है। हिमाचल की गर्माती सियासत, कांग्रेस मुख्यालय से शिमला से लाइव तस्वीरें और मुकेश अग्निहोत्री विक्रमादित्य सिंह को अपने कंधों पर उनके समर्थकों ने उठा लिया है। ये एक अलग तरह का माहौल, ये एक अलग तरह की गर्मजोशी। जो भी नेता पहुंचे उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, अपने नेता को कंधे पर बिठाकर कांग्रेस मुख्यालय के अंदर ले जाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता। खबरें अभी तक पर सबसे पहले ये तस्वीरें, इस हंगामे की तस्वीरें, इस नारेबाजी की तस्वीरें, इस उत्साह की तस्वीरें। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या आज तय हो पाएगा, इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। खबरें अभी तक पर कांग्रेस में सियासत गर्माई हुई मुख्यमंत्री को लेकर। हिमाचल की ठंडी वादियों में अचानक से सियासत की एक गर्मी पैदा हो चुकी है। आप देख रहे हैं, हर एक नेता का चाहने वाला कह रहा है कि यही मुख्यमंत्री बनने चाहिए। सीएम पद पर कांग्रेस में गरमाई सियासत। जी हां, शिमला से लाइव तस्वीरें, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले हर एक ताजा अपडेट। खबरें अभी तक पर एक के बाद एक नेता पहुंचने, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू। जी प्रदीप बात कीजिए। शर्मा जी, कांग्रेस विधायक दल की बैठक है आज, विधायक दल के नेता को लेकर चर्चा होनी है। सत्ता आई है, वापस हुई है कांग्रेस पार्टी सत्ता में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने कांग्रेस को पुनः वापस सरकार में वो लाए हैं। और जो वादे लेकर के हम लोगों के बीच में गए थे उनको पूरा करेंगे। 5 वर्ष हैं इसमें, प्रदेश के हित के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, वो काम करेंगे। आपको लगता है कि विधायक दल का नेता आम सहमति से चुना जाएगा? आप भी सीनियर लीडर हैं, क्या आप भी इस पद के लिए हैं? नहीं, जो चुना हुआ विधायक और पार्टी हाईकमान कहेगी उसके ऊपर सबकी सहमति है। आप, कोई गतिरोध तो नहीं रहेगा? कई बार देखा जाता है गतिरोध बनता है, तनाव बनता है, टकराव होता है नेताओं में, वो ना हो उसके लिए क्या होना चाहिए? नहीं नहीं, कोई गतिरोध नहीं है, सब एकजुट। सुधीर शर्मा पूरा मंत्री है, संजय रतन जी आपसे, आप चुनकर भी आए हैं, आज विधायक दल की बैठक भी है, क्या कहेंगे? आज विधायक दल की बैठक है और मैं आपके माध्यम से, हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए जो उन्होंने हमें जो है वो आशीर्वाद दिया है, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। और अभी विधायक दल की बैठक होगी, उसमें हमारा नेता जो है चुना जाएगा। तो व्यक्तिगत राय भी ली जाएगी विधायक दल के नेता के लिए, उसमें आपकी क्या राय रहेगी? जो व्यक्तिगत राय है या जो सहमति बनेगी, जो भी चुने हुए विधायक हैं, जो उनकी राय होगी उसके अनुसार ही चलेंगे और हाईकमांड का जिसको आशीर्वाद होगा वही विधायक। आपको लगता है कि गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, आम सहमति से बनना चाहिए विधायक दल का नेता? कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, विधायक दल का नेता जो आम सहमति से बनेगा, हाईकमांड के आशीर्वाद से बनेगा। हाईकमांड पर इन्होंने सारी बात छोड़ी है और कहा कि आम सहमति सब विधायकों की राय से। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, नारेबाजी लगातार हो रही है और अपने अपने नेता के समर्थन में यहां जो है वो नारेबाजी की जा रही है। हालांकि बड़े नेता यहां पहुंच चुके हैं विधायक दल की बैठक के लिए, जो नेता बचे हैं वो भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अभी सुधीर शर्मा, ये पूरा मंत्री हैं, धर्मशाला से विधायक चुनकर आए हैं, तो इन्होंने भी अपनी बात रखी है और इसके साथ साथ नारेबाजी का क्रम जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये गर्माहट
कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेस में कौन मुख्यमंत्री होगा, अब इस पर मंथन करना इस वक्त कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जद्दोजहद बन चुकी है। सवाल यही है कि जो दावेदारी हो रही है उसमें से किसको जीत हासिल होगी। एक के बाद एक नेता पहुंच रहे हैं और उनके समर्थक उनके पक्ष में नारे लगा रहे हैं। प्रतिभा सिंह पहुंच चुकी है कांग्रेस मुख्यालय, उनके समर्थकों ने नारेबाजी की। सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे, उनके समर्थकों ने नारेबाजी की। मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे, उनके समर्थकों ने उनके लिए नारेबाजी की। और सभी का ये कहना है कि यही मुख्यमंत्री बनने चाहिए। और इस वक्त जो ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला जो हिमाचल के प्रभारी हैं, उनके सामने इस वक्त तमाम विधायकों से बात करके उस फैसले को करना है कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। कांग्रेस में इस तरह का हंगामा कई बार देखा गया है, इस तरह की नौयत कई बार सामने आती है और लगातार कांग्रेस मुख्यालय शिमला में ये भीड़ भाड़, एक के बाद एक विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू। 8 बजे का वक्त था मीटिंग के लिए, ये उस वक्त की तस्वीर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कुछ कहते नजर आए थे वो भी आपको सुनाएंगे। सुक्खू कह रहे थे कि हमारा मकसद कांग्रेस को जिताना था। कांग्रेस पार्टी जीती है, कार्यकर्ताओं में जोश है और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम कोई मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, हम कार्यकर्ता है। पार्टी हाईकमांड जो फैसला, मैं कोई सीएम का कैंडिडेट नहीं हूं, मैं एक डिसिप्लिन सोल्जर हूं और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं अभी सिर्फ विधायक हूं। कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, यही बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान, मैं सीएम की रेस में नहीं, मैं सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए, प्रदीप कुछ कह रहे हैं जी, प्रदीप के पास चलते हैं जी। रवि बिल्कुल नासिर, देखिए रवि ठाकुर हमारे साथ हैं। रवि जी आप चुनाव जीत कर आए हैं और एक ट्राइबल जिला से आप ताल्लुक रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप एक जनजातीय जिला से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ विधायक दल की बैठक हो रही है और किस तरह का फैसला यहाँ हो सकता है? हमारा जो फैसला हाईकमांड के साथ सॉलिडेटरी सब विधायक लेंगे और अनुसूचित जनजाति के लोग भी उन्हीं के साथ हैं। अभी कल ही तो फैसले हुए हैं, नतीजे निकले हैं। अभी भारी जनसंख्या समर्थन में जश्न मना रही है, वाइंड अप होगा सब कुछ, तब ना एमएलए पहुंचेंगे यहाँ एकदम। अब 12:30 घंटे से मैं गाड़ी में ही हूँ, अभी पहुंच रहा हूँ। इसी तरह से और लोग भी वाइंड अप कर रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं, उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं, तो माहौल ऐसा है कल तक दिन तक फैसला हो जाएगा। ये आप ही सीनियर लीडर हैं, ये आवाजें जिस तरह की आ रही है, एक तरफ प्रतिभा सिंह, एक तरफ सुखविंदर सिंह, सब ये जो जश्न है ये कुछ और भी दर्शा रहा है। तो ये तो सभी लॉग्स भी दी जाएंगे तो मेरे नारे लग रहे हैं, तो हर जगह अपने अपने जगह के नारे लग रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा लाने के लिए नारे लग रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री का तो कोई भी विधायक अपना आप जो है जिन्होंने ये रवि ठाकुर थे जो लाहौल स्पीति। जी 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 बोलिए प्रदीप। हाँ बिल्कुल, रवि ठाकुर थे जो लाहौल स्पीति से विधायक चुनकर आए हैं। इन्होंने डॉक्टर रामलाल मारकंडा कैबिनेट मंत्री को हराया है। पिछली बार 2012 से 17 की जो विधानसभा थी उसमें भी ये विधायक थे और अभी जो इन्होंने कहा कि हम अपनी बात पार्टी नेतृत्व के पास रखेंगे, हालांकि जो नारेबाजी हो रही है वो सबका अधिकार है, अपने अपने नेता के लिए नारे लगते हैं। तो अब बैठक जो है वो अब कुछ देर में शुरू होने वाली है, जो 8 बजे का समय था वो होने वाली है। कुछ एक हम कह सकते हैं कि विधायक जो है वो अभी आ रहे हैं, हालांकि धीरे धीरे करके उनके आने का सिलसिला जो अभी बचे हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ज्यादातर बड़े नेता, खासतौर पर जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। एक एक प्रतिक्रिया कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं, निर्णय क्या। और
बिल्कुल देखिए, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता वर्कर जो है वो जुटे हुए हैं, कुछ से बात भी करना चाहेंगे। आप यहाँ इस आज जो बैठक हो रही है, यहाँ क्या होगा इसको जानने के लिए पहुंचे हैं, क्या लगता है आपको किस तरह की बातें होनी चाहिए, नेतृत्व किन हाथों में जाना चाहिए? मैं आप यहाँ आप देख रहे हो सारे MLA पहुंच चुके हैं, जो जो निर्णय सारे MLA ले गए वो सर्वोपरि होगा सबके लिए। बिल्कुल, जो निर्णय होगा, आप क्या कहना चाहते हैं जी? हम चाहते हैं रानी प्रतिभा सिंह को चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश का, उन्हें बनाया जाना चाहिए। वीरभद्र सिंह जी को विरासत है, वो आगे बढ़नी चाहिए। यस, पक्का पक्का, उनकी विरासत को हम बिल्कुल बहुत आगे लेना चाहते हैं। हम जो भी वोट पड़ा है ड्यू टू राजा वीरभद्र की वजह से पड़ा है, जो भी पोर्टफोलियो मिले राजा साहब की वजह से पड़ा है। बिल्कुल, राजा साहब की वजह से जो विकास पुरुष राजा वीर विकास पुरुष थे। आप कहीं आप आपकी क्या भावना है? मेरी भावना है राजा साहब के साथ, रानी साहब, टीका साहब, बस उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने ही मेहनत की है, रानी और टीका साहब ने मेहनत की पूरे हिमाचल के अंदर, कोई और नहीं टिक पाएगा यहाँ। तो ये हॉली लॉज के समर्थक हैं, इन्होंने अपनी बात कही है, कोई और समर्थक आपसे भी जानना चाहेंगे, आप यहाँ पहुँचे हैं क्या जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं? हम देख रहे, हम जानने को यही पहुँचे हैं कि सरकार बननी चाहिए, जो रानी साहब हमारी अध्यक्ष थी उनकी वजह से जो है पूरे हिमाचल में जो है उन्होंने 68 कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया है, जिसमें 40 सीटें हमारी है और वो मुख्यमंत्री की दावेदार वही है। इस वक्त की अगर बात की जाए, आपने जो वर्कर है उनकी भावनाएं आपने सुनी, बिल्कुल, इस वक्त की अगर बात की जाए तो ये जो मैसेज जा रहा है, ये जो हंगामा है, इसको किस तरह से देखा जाए, एक बड़ी बात है। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, लोग जिता देते हैं फिर, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर कांग्रेस को कई बार मंथन करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिराज सिंधिया को लेकर इस तरह का हंगामा देखने को मिला। राजस्थान में उस वक्त नाम तो था अशोक गहलोत का, लेकिन सचिन पायलट को लेकर भी हंगामा देखने को मिला। और इस वक्त सभी कार्यकर्ता, अलग अलग नेताओं के कार्यकर्ता और समर्थक सारे के सारे हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, लेकिन समर्थकों के लिहाज से अपने अपने नेता के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। आलोक, एक छोटी सी टिप्पणी इस पर, कांग्रेस की सियासत पर। अब बिल्कुल नासिर, जो देखा जाए तो हर नेता जो है, हर नेता के समर्थक उसके फेवर में जो है वो नारेबाजी करते हुए अपना जोश, अपनी ताकत दिखाने का, अपना प्रदर्शन करते हुए हाईकमान तक अपनी बात रखना चाह रहे हैं कि हाईकमान उनकी बात को सुने। लेकिन हाईकमान ने जो ऑब्जर्वर लगातार लगाए हुए हैं, जो प्रभारी वहां पर लगाए हुए हैं, वो सब इन परिस्थितियों से गुजरे हुए हैं। जैसा आप अभी बता रहे थे, राजस्थान में ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, ये कांग्रेस में कोई नया चलन नहीं, ये बहुत पुरानी प्रथा है कांग्रेस में। हालांकि ये बात अलग है, चुनाव जीतने तक कांग्रेस के नेता एकजुट होकर लगे रहे, कहीं से कोई वाद विवाद की ऐसी स्थिति सार्वजनिक रूप से देखने को नहीं मिली। लेकिन जब से कांग्रेस को बहुमत मिला है उसके बाद से लगातार ऐसा पेच फंसा हुआ है सीएम के नाम को लेकर। एक पक्ष की ओर से जहां लगातार दावा किया जा रहा है कि उनका ख्याल रखा जाए, उनके पारिवारिक बैकग्राउंड को ध्यान में रखा जाए, हाईकमान इस पर, लेकिन सब लोग अपने नारेबाजी कर रहे हैं, सभी नेता, चाहे भले सुखविंदर सुखू ने कहा हो कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, मैं कांग्रेस का अनुशासित सिपाही हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके वर्कर भी, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो भी सुखू के लिए नारेबाजी कर रहे हैं, वही मुकेश अग्निहोत्री के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें, अभी जो ऑब्जर्वर लगाकर भेजे गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, वो खुद इस दौर से गुजर चुके हैं जहां एक बड़ा नाम हरियाणा में चौधरी भजनलाल का होता था। ऐसे दौर में भजनलाल के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन उसके ऐन वक्त रिजल्ट आते ही उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो खुद ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बात को जानते हैं, कांग्रेस हाईकमान भी जानता है कि कैसे नए लोगों को एडजस्ट करना है जी। और लगातार हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक के बाद एक नेता पहुंच रहे हैं, विधायक पहुंच रहे हैं मीटिंग के लिए, नारेबाजी लगातार जारी है, लगातार नारेबाजी जारी है। हिमाचल प्रदेश की ठंडी वादियों में सियासत गर्मा रही है। राज और रिवाज बदलने की बात पर, जनता ने तो रिवाज नहीं बदला। और मुकेश अग्निहोत्री सबसे पहले खबरें अभी तक के साथ जुड़े थे, क्या कुछ उन्होंने बोला वो भी आपको सुनाते हैं। विधायक के मीटिंग में तो लगातार खबरें अभी तक पर, एक के बाद एक ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें सीधी
सबसे पहले एक के बाद एक विधायक पहुंच रहे हैं। वो बड़े चेहरे पहुंच चुके हैं जिनको लेकर नारेबाजी हो रही है, जिनके कार्यकर्ता समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। प्रतिभा सिंह जब पहुंची कांग्रेस मुख्यालय तो उनके समर्थकों ने जोर शोर से नारे लगाए उनके पक्ष में। उसके बाद फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे, उनके समर्थकों ने जोरदार नारे लगाए और सीएम की बात कही। उसके बाद फिर उसके बाद विक्रमादित्य पहुंचे और उनके समर्थकों ने नारे लगाए और फिर मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे, उनके समर्थन में भी नारे लगाए गए। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब विक्रमादित्य पहुंचे थे, कंधे पर बिठा लिया था उनके समर्थकों ने उनको और यहां भी नारे लगते रहे। हिमाचल में सियासत गर्मा रही है, वीरभद्र की विरासत पर सियासत गर्मा रही है। सीएम पद को लेकर कांग्रेस में महासंग्राम जारी है, पर्यवेक्षकों को मंथन करना है, विधायकों से बात करनी है। एक के बाद एक विधायक पहुंचने शुरू हो चुके हैं। 8 बजे का वक्त था मीटिंग का, विधायकों से राय ली जाएगी और क्या विधायकों की मंशा के साथ ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि एक बात सभी नेता कह रहे हैं कि जो फैसला आला कमान करेगा वैसा ही होगा। कले राजीव भवन और वहां पर इस वक्त हंगामा, मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। आलोक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक, आप भी हिमाचल में पहुंचे थे, एक बात जरूर निकलकर सामने आई कि सारे नेता कह रहे हैं कि जो फैसला आला कमान करेगा वही माना जाएगा, लेकिन साथ में सबके दिल में ख्वाहिश है, दबी हुई है कि मुख्यमंत्री तो हम ही होने चाहिए। ये सबके दिल के ख्वाहिश है कि मुख्यमंत्री वो बने। हर नेता ये चाहता है कि उसके सर के ऊपर एक ताज मुख्यमंत्री का रखा जाए, क्योंकि हर नेता आगे आना चाहता है। हालांकि जितने लोग दावा कर रहे हैं उनकी विरासत अगर देखी जाए तो सब लोग कांग्रेस में पुराने, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई नया नेता आकर के इस तरह का दावा किया जा कर रहा हो, लेकिन इस वक्त जो है हर नेता मुख्यमंत्री के कुर्सी पर पहुंचना चाहता है, मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचना चाहता है। ऐसे में अब ये तो हाईकमान ने फैसला करना है कि वो किसके सर पर, हालांकि मुख्यमंत्री एक ही बनना है, हाई कमान इसके लिए भले रास्ते अलग अलग निकाल सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री केवल एक नेता को बनाया जाएगा जो सबको मान्य होगा। और पार्टी में इस समय बिल्कुल स्पष्ट बहुमत है, जो बहुमत से भी ऊपर विधायक जीत करके आए, तो ऐसे में कोई इस तरीके से नहीं कोई एक धड़ा नाराज होकर चला जाएगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं। इसलिए हाईकमान भी बिल्कुल निश्चिंत है, जिसे मोहर लगाई जाएगी वो यहां का नया मुख्यमंत्री बनेगा। और रही बात दूसरे लोगों की, जो दूसरे दावेदार हैं हाईकमान, उनको भी निश्चित रूप से दूसरे पदों से उनको सुशोभित करेगा। किसी को विधानसभा अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, किसी को गृह मंत्रालय भी अहम जिम्मा दिया जा सकता है। वहीं बात करें तो वित्त मंत्रालय भी एक बहुत अहम जिम्मा है। अभी तो केवल मुख्यमंत्री को लेकर ही चर्चा चली हुई है, लेकिन नासिर ये सोचिएगा जब कांग्रेस में मंत्रियों को लेकर के जब निर्धारण किया जाएगा तो क्या स्थिति होगी। अभी केवल मुख्यमंत्री के लिए 3 नाम है। ऐसे में अगर हम बात करें, हिमाचल में 12 जिले हैं और हिमाचल का जो मंत्रिमंडल है मुख्यमंत्री समेत वो भी 12 लोगों का होता है। ऐसे में कई बड़े जिले हैं तो वहां से भी, जैसे कांगड़ा बड़ा जिला है जहां पर 15 विधानसभा सीट है और कांगड़ा से एक जो नगरोटा से एक विधायक। आलोक, एक बात और है कि कांगड़ा, शिमला और मंडी, इन क्षेत्रों के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री का चयन होता है और कहा जाता है कि कांगड़ा में जो जीतता है वो मुख्यमंत्री बनता है। कांगड़ा में इस बार कांग्रेस, पिछली बार बीजेपी थी ज्यादा सीटों पर, इस बार कांग्रेस है। लेकिन मंडी लोकसभा की अगर बात की जाए वहां पर कांग्रेस हारी है एक सीट को छोड़कर। यह मैसेज क्या देगा, इसका कितना असर पड़ेगा प्रतिभा सिंह की दावेदारी पर? बिल्कुल नासिर, मैं यही बात आपको कहना चाह रहा था कि मंडी में जिस तरह से कांग्रेस की करारी हार हुई है, वो खुद वहां से लोकसभा की सांसद हैं, लेकिन हार के लिए उन्हें पार्टी को जरूर जवाब देना पड़ेगा, पार्टी भी उनसे निश्चित रूप से जवाब तलब करेगी। वहीं अगर बात करें कांगड़ा की, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की सियासत में अपनी अहम भूमिका निभाता है। आलोक, मैं रोक रहा हूं आपको, और मुकेश अग्निहोत्री ने क्या कुछ कहा था खबरें अभी तक से जब वो पहुंचे इस मीटिंग के लिए, तो वो भी सुनाते हैं एक बार। सब जा रहे हैं दल की मीटिंग में। दल की बैठक है, क्या कहना चाहेंगे? बस अब जा रहे हैं दल की मीटिंग में।
शक्ति होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दल की बैठक है, क्या कहना चाहेंगे? बस अब जा रहे हैं डायरेक्टर के मीटिंग में। कोई भी अभी बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता। एक बात सभी नेता कह रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, प्रतिभा सिंह से पूछा गया कि कौन बनना चाहिए हिमाचल का मुख्यमंत्री, तो उन्होंने कहा कि देखिए आलाकमान का फैसला है, लेकिन वीरभद्र जी की विरासत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, उनके नाम पर वोट मांगे गए, जिसके नाम पर चुनाव हुआ, जिसके नाम पर वोट मांगे गए, जिसके नाम से जीते हैं, उसको नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? जो काम वीरभद्र जी ने किए वो उनका परिवार भी कर सकता है। उन्होंने एक तरीके से साफ तौर पर यह कह दिया कि दावेदारी हमारी है इस पद पर, होली लॉज का जो एक सम्मान है वो बरकरार रहना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश अग्निहोत्री भी कहते रहे कि एक साल की लड़ाई नहीं, कुछ महीनों की लड़ाई नहीं, पूरे 5 साल लड़ाई लड़ी है और पूरे पांच साल हमने इस लड़ाई को लड़ा है, ये सिर्फ 1-2 दिन में नहीं हुआ। प्रतिभा सिंह ने क्या कुछ कहा था, एक बार वो सुनाते अपने दर्शकों को। दे कैनॉट निग्लेक्ट हिज फैमिली, दे कैनॉट निग्लेक्ट बिकॉज उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के कामों को लेकर हमने ये इलेक्शन जीता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाम आप उनका यूज करो, चेहरा उनका यूज करो, फैमिली उनकी यूज करो और आप श्रेय किसी और को दो, ऐसा तो हाईकमांड भी नहीं करेगी। दे कैनॉट निग्लेक्ट। सारे विधायक आएंगे, कांग्रेस पार्टी जीती है, कार्यकर्ताओं में जोश है। और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम कोई मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, हम कार्यकर्ता है। पार्टी हाईकमांड जो फैसला है, मैं कोई सीएम का कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं एक डिसिप्लिन सोल्जर हूँ और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मैं अभी सिर्फ विधायक हूँ। कांग्रेस पार्टी जीती है, कार्यकर्ताओं में जोश है। और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम ये लड़ाई एक दिन की नहीं, सब अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, सबके समर्थक चाहते हैं। लगातार अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे सभी नेताओं की जो दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की सियासत गर्मा रही है। हिमाचल प्रदेश की ठंडी वादियों में मुख्यमंत्री पद को लेकर इस वक्त कांग्रेस में एक बड़ा मंथन हो रहा है। लग रहा था कि बड़ी आसानी से बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस मुख्यमंत्री पद का फैसला कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए। प्रदीप, अभी और क्या हलचल है, क्या माहौल है? बिल्कुल, देखिए अभी लगभग सभी जो चुने हुए प्रत्याशी हैं वो पहुंच चुके हैं कांग्रेस पार्टी प्रदेश कार्यालय में, और बड़े नेता भी, चाहे प्रतिभा सिंह की बात करें, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, सुधीर शर्मा, ये बड़े नेता भी यहाँ पहुंच चुके हैं, राजेंद्र राणा, तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंचे हैं। और जो ऑब्जर्वर के तौर पर आए हैं, भूपेश बघेल है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, राजीव शुक्ला है, वो भी इस वक्त पार्टी कार्यालय में है। तो कुछ देर में हम कह सकते हैं कि अब ज्यादा वक्त नहीं है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित होना है, तो अब देखना होगा कितना समय उसमें लगता है और जब अंदर बैठक होगी उसमें भी क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो बैठक का दौर अब शुरू होने वाला है और हम कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री पद के लिए किसको आगे किया जा सकता है, अब उस पर सबकी निगाहें कितनी है, सबको इसी बात पर। प्रदीप, कितने विधायक अब तक पहुंच चुके होंगे, कितने विधायक पहुंच चुके हैं? सभी 40 के 40 पहुंच गए, अभी बचे हुए हैं कुछ? बिल्कुल, देखिए जो हमारे पास अभी तक जानकारी है उसमें अधिकतर विधायक पहुंच चुके हैं, संभवतः कुछ विधायक, 1-2 विधायक ऐसे हैं जो अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बाकी ज्यादातर विधायक जो हैं वो पहुंचे हैं। तो जैसे ही सभी यहां पर पहुंच जाएंगे उसके बाद जो है ये बैठक शुरू हो जाएगी। प्रदीप, जिस तरह से ये हंगामा हो रहा है, इस हंगामे का क्या कुछ संदेश वहां पर कार्यकर्ताओं में जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जब भी इस तरह की जो नेतृत्व बनना होता है, नेतृत्व देना होता है, उस वक्त हर समर्थक चाहता है कि उसके नेता को बड़ा पद मिले। तो ऐसे नेता जो है वो जोश में आते हैं और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, चाहे वो प्रतिभा सिंह के हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू के हैं, मुकेश अग्निहोत्री के हैं, और शिमला से ही जो जिले के लीडर हैं, अनुरंध सिंह है, राजेंद्र राणा है,
ये जो तमाम नेता हैं इनके भी नारे यहाँ लग रहे हैं। तो कुछ नारे इस बात के लिए लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिलना चाहिए, कुछ के नारे इसलिए लग रहे हैं कि उन्हें मंत्री पद मिलना चाहिए। ये कोशिश जो है वो समर्थकों की है, इसलिए माहौल जो है वो रहता है, उत्साह का माहौल रहता है वर्करों में। और यही बिल्कुल प्रदीप, मैं आता हूँ आपके पास, आप बने रहे। एक के बाद एक उन नेताओं के बयान सुनाते हैं जो इस वक्त सीएम पद के दावेदार हैं। एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, एक बार उनको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहते हैं नेता, हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के वो नेता जो सीएम रेस में है, मुकेश अग्निहोत्री ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी सुनाते हैं आपको। ठीक है, अब कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है, हमने उनको मालूम है मैं विधायक दल का नेता हूं और विधायक दल के नेता के नाते मैं 5 साल से काम कर रहा हूं और पार्टी को जो है सत्ता के दहलीज पे लाने के लिए हमने काम किया है। और ये यहाँ नहीं है, पूरे हिमाचल में हमारे समर्थक हैं, हमारे चाहने वाले हैं, वो जो उन लोगों के दिल में जो बात है वो रखते हैं। और इसके साथ ही प्रतिभा सिंह क्या कुछ बोलती हैं अपनी दावेदारी को लेकर, एक बार फिर सुनाते हैं उन दर्शकों को जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि सभी एक बात कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान का फैसला, साथ में अपनी दावेदारी भी मजबूत कर रहे हैं। दे कैन नॉट निग्लेक्ट हिज फैमिली, दे कैन नॉट निग्लेक्ट बिकॉज उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के कामों को लेकर हमने ये इलेक्शन जीता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाम आप उनका यूज करो, चेहरा उनका यूज करो, फैमिली उनकी यूज करो और आप श्रेय किसी और को दो, ऐसा तो हाईकमांड भी नहीं करेगी। देख, और कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खबरें अभी तक से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। राजनीतिक जीवन में मैं कभी किसी दौड़ पर रहा ही नहीं और मेरे को बड़ी खुशी है कि मेरे को कांग्रेस पार्टी के सभी पदों पर काम करने का मौका मिला। NSA, यूथ कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष, सब जगह मैं अध्यक्ष बना। तो मैं ये दौड़ और इसमें नहीं है, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के कार्यकर्ता के जरा टाइम पर जो जिम्मेवारी मिलती है वो जिम्मेवारी का निर्वाह करता हूँ और अपने लिए जवाबदेही भी तय करता हूँ। राजनीतिक जीवन में मैं कभी किसी दौड़ पर रहा ही नहीं और मेरे को बड़ी खुशी है कि मेरे को कांग्रेस पार्टी के सभी पदों पर काम करने का मौका मिला। NSA, यूथ कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष, सब जगह मैं अध्यक्ष बना। तो मैं ये दौड़ और इसमें नहीं है, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के कार्यकर्ता के जरा टाइम पर जो जिम्मेवारी मिलती है वो जिम्मेवारी का निर्वाह करता हूँ और अपने लिए जवाबदेही भी तय करता हूँ। इस वक्त ये तस्वीरें सभी नेता बैठे हैं, सीधी तस्वीरें, प्रतिभा सिंह, भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला विधायक, मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस मुख्यालय से लाइव। सबसे पहले खबरें अभी तक पर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये मीटिंग की तस्वीरें। सबसे पहले खबरें अभी तक पर, सभी विधायक जो पहुंच चुके हैं, सबका परिचय, सब अपने अपने बारे में बता रहे हैं, अभिनंदन। और अब क्या आसान है मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाना, या अभी बहुत ज्यादा मंथन करना पड़ेगा कांग्रेस को। जनता ने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा दिया है, जनता ने अपने रिवाज को बरकरार रखा, क्या कांग्रेस हिमाचल को अच्छा राज दे पाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। कौन बनेगा हिमाचल का मुख्यमंत्री, यह सबसे पहले आप खबरें अभी तक पर। उस मीटिंग की तस्वीरें जो कहा जा रहा था कि 8 बजे शुरू होगी और वो शुरू हो चुकी है। प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए, प्रदीप बहुत संक्षेप में, मीटिंग शुरू हो चुकी है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बैठक शुरू हो चुकी है और सभी ऑब्जर्वर जो हैं वो मंच पर हैं और उनके साथ साथ बाकी भी जो प्रदेश का नेतृत्व है वो जो है इस वक्त इस बैठक में मौजूद है। हम कह सकते हैं कि सभी विधायक इस बैठक में हैं और उनके साथ चर्चा होनी है। वैसे में बैठक का दौर अब शुरू हो चुका है और कुछ देर में ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर यहाँ पर चर्चा क्या हुई है, मुख्यमंत्री का चेहरा किसको जो है वो दिया जा रहा है। तो बैठक अब शुरू हो चुकी है और ये भी पहले जानकारी थी कि जो बैठक यहाँ पर होनी है अगर उसमें लगता है सभी को कि अलग से भी राय ली जा सकती है, विधायकों की वन टू वन बातचीत भी उनके साथ हो सकती है, तो ऐसी कोशिश भी की जा सकती है। वो उसके लिए होटल शिमला में एक रखा गया था वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर, लेकिन अब यही लग रहा है कि ये बैठक जब यहाँ इतनी देरी से शुरू हुई है तो अब यहीं पर ही सारे निर्णय होने हैं। हालांकि नाम जो है उसकी आज घोषणा नहीं होगी, वो पार्टी हाईकमान नेतृत्व पर छोड़ा जाएगा कि वो किसे विधायक दल का नेता
बनाते हैं। हालांकि जो दिन भर हमने देखा जिस तरह से विधायकों के आने का सिलसिला जो 12 बजे के आसपास शुरू होना चाहिए था वो शुरू नहीं हो पाया था और देरी से विधायक पहुंचे, तो उसके बाद समय में भी बदलाव किया गया और अब 8 बजे का जब समय निर्धारित किया गया तो अब सभी विधायक जो है वो इस बैठक के लिए पहुंच गए हैं और अब बैठक औपचारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। बैठक शुरू हो चुकी है और अभी सभी विधायकों का परिचय जो ऑब्जर्वर वहां पर हैं उनसे कराया जा रहा है और इस वक्त की ये तस्वीर आप देख रहे हैं खबरें अभी तक पर। मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस जारी, आज तय हो जाएगा, घोषणा कब होगी, आज तय नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है। आलोक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता आलोक, मीटिंग शुरू हो चुकी है और कोई बात किस तरह से हिमाचल में लगता है कि आसान है एक राय बनाना या थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगला चुनाव 2024 का है और उसके लिए भी अपने आप को कांग्रेस मजबूत करना चाहेगी हिमाचल में। बिल्कुल नासिर, इस मीटिंग के जरिए यही संदेश दिया जा रहा है, सभी को अंदर कमरे में बिठा करके सभी से सलाह मशवरा किया जा रहा है कि आप सब शांत रहिए और जो नाम तय किया जाएगा उसी पर मोहर लगानी है। जो 3 बड़े नाम हैं अभी उनको फिल्टर किया जा रहा है, उनमें से एक नाम को इस तरीके से रखा जाएगा कि विधायकों को उस पर हाँ भरनी पड़ेगी। जैसा आपने कहा कि आगे जो चुनाव आएंगे, लोकसभा चुनाव आएगा, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अभी से ही पार्टी में एकजुटता का संदेश दिया जाएगा, कहीं ये संदेश बाहर ना जाए कि कांग्रेस में बिखराव है और कांग्रेस जो है पार्टी एकजुट नहीं है। ऐसा करने से हर नेता बचेगा और जो पर्यवेक्षक लगाए गए, जो प्रभारी लगाए गए, वो खुद अपने आप में बहुत कांग्रेस के सीनियर लोग हैं और वो उससे पहले एक परंपरा कांग्रेस में अपनाई जा रही है, सभी से सलाह मशवरा किया जा रहा है और ये कांग्रेस की एक आज की नहीं बहुत लंबी परंपरा है कि हाई कमान की ओर से मुख्यमंत्री का नाम आता है तब ऐसी स्थिति में आता है जब एक नाम पर कभी सलाह मशवरा या राय नहीं बनती, ऐसा आता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज की रात हो सकता है, देर रात हो या कल शाम तक इस नाम का आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा। जी मैं आता हूं आपके पास प्रदीप, क्या आज तय हो जाएगा या तय भी नहीं हो पाएगा नाम, क्या लगता है इस मीटिंग के बाद क्या खबरें आपके पास? जब भी विधायक दल का नेता तय होता है तो उसकी जानकारी जो है मीडिया में भी सार्वजनिक की जाती है और जानकारी भी दी जाती है कि कब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कोई भी इस तरह का जो निमंत्रण है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं है, लेकिन जो जानकारी हमारे पास यही थी कि हाईकमान को इसके लिए डिसाइड किया जाना है कि विधायक दल का नेता कौन चुना जाना है। तो संभवतः जब ये बैठक खत्म होगी उसके बाद जब ऑब्जर्वर से बातचीत की होगी वो भी कहेंगे जिसमें क्या हुआ है बैठक में। लेकिन हमें जो अब तक लग रहा है कि एक आम सहमति बनाने की कोशिश यहाँ पर हो सकती है और पहला जो कदम होगा वो पहला कदम यही होगा कि पार्टी हाईकमान को अधिकृत किया जाएगा कि आप ही विधायक दल का नेता किसे बनाना है उस पर आप निर्णय लें। हालांकि जब भी ऐसी बैठकें होती है तो कई बार विधायक भी अपनी बात रखते हैं, जो पद के चाहवान है वो भी अपनी बात रखते हैं, तो ये देखना होगा कि क्या बैठक के भीतर ऐसा भी कुछ निकल कर सामने आता है या कोई अपनी बात वहाँ अलग से रखने की कोशिश करेगा। तो अगर वैसी कोई स्थिति बनती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है वहाँ पर इसमें चर्चाएं उस पर भी शुरू होनी है। लेकिन अभी यही है कि सिंगल लाइन पर साफ पर चर्चा होनी है कि हाईकमान को डिस्कस किया जाता है वो इस पर निर्णय। जी प्रदीप, आता हूँ आपके पास और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं खबरें अभी तक के दर्शक, खबर अभी तक के दर्शक हिमाचल की गर्माती सियासत पर हर एक अपडेट से रूबरू हो रहे हैं, आपको एक के बाद एक वो तमाम तस्वीरें भी हम दिखाते रहे कि जब जब नेता पहुंचे उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की, उनके पक्ष में नारे लगाए और मीटिंग में पहुंचने से पहले क्या कुछ कह रहे थे, सुखविंदर सिंह सुक्खू, जरा उनको भी एक बार सुनते हैं। होता रहा, पर्यवेक्षकों के सामने नारेबाजी, अपने अपने नेताओं के लिए नारेबाजी, पर्यवेक्षकों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी कि बहुत आसानी के साथ, मजबूती के साथ
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाए, विधायक दल का नेता चुना जाए और नाम का ऐलान आलाकमान की तरफ से किया जाएगा। लेकिन आपको एक बार फिर सुनाते हैं, मीटिंग में जाने से पहले, इस बैठक में जाने से पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी जीती है, कार्यकर्ताओं में जोश है और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम कोई मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, हम कार्यकर्ता है, पार्टी हाईकमांड जो फैसला, मैं कोई सीएम का कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं एक डिसिप्लिन सोल्जर हूँ और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मैं अभी सिर्फ विधायक हूँ। दल की बैठक है, क्या कहना चाहेंगे? बस अब जा रहे हैं विधायक दल के मीटिंग में। दल की बैठक है, क्या कहना चाहेंगे? बस अब जा रहे हैं विधायक दल के मीटिंग में। दे कैन नॉट निग्लेक्ट हिज फैमिली, दे कैन नॉट निग्लेक्ट बिकॉज उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के कामों को लेकर हमने ये इलेक्शन जीता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाम आप उनका यूज करो, चेहरा उनका यूज करो, फैमिली उनकी यूज करो और आप श्रेय किसी और को दो, ऐसा तो हाईकमांड भी नहीं करेगी। दे कैन नॉट निग्लेक्ट हिज फैमिली, दे कैन नॉट निग्लेक्ट बिकॉज उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के कामों को लेकर हमने ये इलेक्शन जीता है। परिचय इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है ऑब्जर्वर्स के साथ, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा वहां पर मौजूद है, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राजीव शुक्ला प्रभारी हिमाचल प्रदेश के, इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम कर रहे थे हिमाचल में, प्रतिभा सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष, सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रचार समिति के चेयरमैन, सभी बड़े नेता। हिमाचल में मंथन का दौर जारी, कौन होगा हिमाचल का मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस जारी, विरासत पर सियासत, महासंग्राम मुख्यमंत्री पद को लेकर, क्या इस महासंग्राम पर आज ही लग जाएगा विराम? सवाल बहुत सारे हैं, सभी नेता ये कह रहे हैं कि फैसला आलाकमान करेगा, लेकिन साथ में सबके दिल में यह ख्वाहिश है कि मुख्यमंत्री हम हैं, सबके दिल से यह ख्वाहिश है, उनकी जुबान से नहीं निकल रहा लेकिन कार्यकर्ताओं की जुबान से नारेबाजी हो रही है, कहीं पुरजोर तरीके से अपना अंदाज व्यक्त किया जा रहा है तो कहीं इशारों में। प्रतिभा सिंह साफ साफ कह रही है कि हमारे परिवार को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुकेश अग्निहोत्री कह रहे हैं कि हिमाचल में सरकार बनना यह कोई एक साल की या कुछ महीनों की लड़ाई नहीं, पूरे 5 साल की मेहनत है। मुकेश अग्निहोत्री नेता विपक्ष के रूप में लगातार अपनी पार्टी के लिए बोलते रहे और बीजेपी सरकार पर हमला करते रहे, तो वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि मैं भी बहुत पुराना नेता हूं, मैंने पार्टी में हर जिम्मेदारी निभाई है लेकिन मैं कार्यकर्ता हूं। आलोक, जब इस तरह की मैंने एक बात और बोली थी शुरू में कि हिमाचल में कांग्रेस की जीत के बाद सिर्फ हिमाचल के कांग्रेस के कार्यकर्ता, समर्थक और नेता ही उत्साहित नहीं है बल्कि इससे दूसरे राज्यों के कांग्रेस नेताओं को, समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को भी उत्साह मिला है, उनको भी लगा है कि हां हम बीजेपी को हरा सकते हैं। अगर ये बात ज्यादा देर तक किसी तरह से पेचीदगी अख्तियार करती रही तो क्या संदेश जाएगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऐसे मौके पर? बिल्कुल नासिर, इस समय जो कांग्रेस की जीत हुई, एक बड़ी जीत जिसे कहा जा सकता है हिमाचल प्रदेश में, निश्चित रूप से उससे हिमाचल के आसपास और दूसरे लगते हुए राज्यों में और देश के दूसरे राज्यों में एक संजीवनी का काम ये जीत निश्चित रूप से करेगी। कहीं ना कहीं वहां के कार्यकर्ताओं में एक आत्मविश्वास इस समय देखा जा रहा है, जिस तरीके से बीजेपी की लगातार जीत होती जा रही थी वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार मायूस हो रहे थे, ऐसे में अगर ये जीत मिली है तो ये बिल्कुल एक संजीवनी का काम कर रही है। हर कार्यकर्ता ये चाह रहे जो दूसरे स्टेटों में भी है वो अभी से अनुमान लगाना शुरू कर रहे हैं, अपना आकलन कर रहे हैं कि इस बार हमारे राज्य में भी कांग्रेस आ सकती है, ऐसा वो कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर कांग्रेस लगातार मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अगर देरी करती है तो ये फैसला कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं लोग डिमोरलाइज होंगे, लोगों का, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा। अगर जिस तरीके से उनके नेता को अगर मुख्यमंत्री नहीं चुना तो इससे भी एक बड़ा जो उनको डिमोरलाइज होना पड़ेगा। अब वहीं अगर बात करें तो इस समय जितनी जल्दी हो सके कांग्रेस हाईकमान को अब इसमें दखल देकर के मुख्यमंत्री, बिल्कुल, और आलोक एक चीज और है कि हिमाचल की जनता
हिमाचल की जनता को लेकर यह कहा जाता है कि बहुत सीधे सच्चे लोग हैं और वो अपने उस रिवाज में यकीन रखते, तो इसलिए उन्होंने अपने रिवाज को बरकरार रखा। हिमाचल के लोग भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा बहुत देर तक चलता रहे, ये हंगामा होता रहे। वो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी एक मुख्यमंत्री उनको मिल जाए और फिर जो वादे किए हैं, जो दावे किए हैं, उन पर मोहर लगनी शुरू हो जाए, क्योंकि इससे बड़ी चुनौतियां तो अभी कांग्रेस के सामने बहुत हैं। अभी ओपीएस पर मोहर लगानी है, 1500 रुपए महिलाओं को देने हैं, 300 यूनिट बिजली देनी है, बहुत सारे काम करने हैं। अब जो नेता हैं इस दौड़ में, एक बार उनके बारे में जान लेते हैं, आपको दिखाते हैं एक एक करके कि कौन कौन नेता दौड़ में है, सीएम पद की दौड़ में है। प्रतिभा सिंह 1998 में सक्रिय राजनीति में आई थी और ये स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी है। उन्होंने मंडी से, प्रतिभा सिंह ने मंडी से पहला चुनाव लड़ा। ये कांग्रेस में मुख्यमंत्री की रेस में है। बीजेपी के महेश्वर सिंह ने उन्हें करीब 1.25 लाख मतों से हराया था, पहले चुनाव में हारी थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में दूसरी बार प्रतिभा सिंह ने अपनी किस्मत आजमाई, उनको कांग्रेस की तरफ से टिकट मिला था और तब उन्होंने अपने समधी महेश्वर सिंह से पुरानी हार का बदला लिया और संसद में पहुंची। साल 2012 में प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए वीरभद्र सिंह ने लोकसभा से त्यागपत्र दे दिया था और फिर 2014 में मोदी लहर में प्रतिभा को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 26 अप्रैल 2022 को कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। मंडी में अभी उपचुनाव हुआ था तो फिर वहां से वो दोबारा चुनाव जीती थी। उपचुनाव में सुखविंदर सुक्खू 2003 में चुनाव लड़ा और जीता नादौन से। 2007 में फिर उन्होंने चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट पर, फिर उन्होंने चुनाव जीता। कांग्रेस के पुराने नेता माने जाते हैं। 2012 में चुनाव हार गए थे विधानसभा का। इसके बाद फिर उन्होंने 2017 में भी किस्मत आजमाई और 2017 में फिर विधायक बने, फिर विधायक बने। 2013 में उनको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, सुखविंदर सुक्खू को। वो यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस के वरिष्ठ और तेज तर्रार नेताओं में माने जाते हैं। नेता विपक्ष के रूप में लगातार अपनी पार्टी के लिए आवाज उठाते रहे। मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक हैं और नेता प्रतिपक्ष के रूप में सरकार को घेरते रहे, सीधे सीधे अटैक करते रहे मुख्यमंत्री पर। राजनीति में आने से पहले पत्रकारिता में थे मुकेश अग्निहोत्री। एक पत्रकार के रूप में भी उन्होंने काम किया। 2003 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर हरोली से चुनाव लड़ा। वीरभद्र उनको राजनीति में लेकर आए थे और कई अहम विभाग उनको दिए, सरकार में कई अहम पदों पर रहे, मंत्री भी रहे हैं और लगातार चुनाव जीतते रहे। पांचवा चुनाव वो इस बार जीते हैं। अब देखना होगा कि क्या इन्हीं में से कोई चेहरा होगा या कोई और चौंकाने वाला फैसला होगा। दावेदारी सबकी है लेकिन साथ में सबका यह कहना है कि आलाकमान का फैसला सर्वमान्य होगा। मीटिंग चल रही है, खबरें अभी तक पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। हिमाचल की सियासत को लेकर, कांग्रेस में चल रहे मंथन को लेकर, कौन होगा कांग्रेस का मुख्यमंत्री, सबसे पहले आपको बताएंगे। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।